बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेसेंटेशन का अगला भाग। पिछले भाग में हमने पढ़ा था प्लेसेंटेशन के बारे में कि प्लेसेंटा किसको कहते हैं हम। मातृक एवं भ्रूण के ऊतकों के मध्य पाए जाने वाला संयोजन प्लेसेंटा कहलाता है। और ये प्लेसेंटा जो है किससे संबंधित है, विविपैरेटी से, यानी उन एनिमल्स के अंदर जो कि सजीव जो है बच्चे जो है वो पैदा करते हैं। प्लेसेंटा को हमने कहा कि यह माता और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है यानी विकासशील भ्रूण के ऊतकों से बनी वह संरचना है जिससे कि पोषक और उपापचयी जो पदार्थ हैं उनका माता और एम्ब्रियो के बीच में आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो वह क्या कहेंगे हम कि वह संरचना जो कि मदर यानी माता के गर्भाशय, यूटरस और एम्ब्रियो के ऊतकों से निर्मित होती है और माता और भ्रूण के बीच पदार्थों का जो ये फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज है यानी कार्यकीय विनिमय जो है वो करती है, तो वो संरचना क्या कहलाती है, प्लेसेंटा कहलाती है। और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, प्लेसेंटेशन। तो ये हमने पढ़ा था। अब इस प्लेसेंटेशन के हमने पिछली बार पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा यानी कितने तरह के जो हैं ये प्लेसेंटा हैं। तो हमने पिछली बार पढ़ा था कि डिपेंडिंग ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक टिशू, एम्ब्रियोनिक टिशू के इन्वॉल्वमेंट के आधार पर यानी इनके ओरिजिन के आधार पर, वो हमने देखा था दो तरीके के थे, कौन कौन से। एक तो था योक्सेक प्लेसेंटा और दूसरा था कोरियो एलेंट्रोइक प्लेसेंटा, जिसकी हम बात कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा किसके आधार पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई ऑन कोरियोन। ठीक है, यानी विलाई क्या, रसांकुरिया जिसको हम कहते थे प्रोसेसेस, उनके वितरण के आधार पर जो है प्लेसेंटा कितने तरीके का है। तो ये जो विलाई है अलग अलग जो ये रसांकुर जिसको हमने कहा, ये मैमल्स की अलग अलग जातियों में जो है इनका वितरण जो है अलग अलग तरीके का होता है, डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट टाइप्स का होता है। और इस विलाई के जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका जो वितरण है, इसके आधार पर हमने इसको चार भागों के अंदर विभाजित किया गया है। इसको डिफ्यूज प्लेसेंटा यानी विसरित प्लेसेंटा, कॉटिलीडेनरी यानी बीजपत्री प्लेसेंटा, जोनरी प्लेसेंटा यानी क्षेत्रीय प्लेसेंटा, डिस्कॉइडल प्लेसेंटा यानी विम्बाब प्लेसेंटा। तो ये चार तरह के जो है टाइप हैं प्लेसेंटा के, किसके आधार पर, रसांकुरों के वितरण के आधार पर। सबसे पहले हम लेते हैं डिफ्यूज प्लेसेंटा यानी विसरित प्लेसेंटा। तो इस प्रकार के प्लेसेंटा में क्या है, विलाई जो है पूरे जो है संपूर्ण जो है सतह के ऊपर फैली हुई रहती है। इस तरीके से एक समान जो है संपूर्ण सतह के ऊपर विलाई फैली रहती है, स्कैटर्ड ऑल ओवर द सरफेस ऑफ कोरियोन। तो कोरियोन के ऊपर इस तरीके से फैली रहती हुई है संपूर्ण सतह पर। और किस किस में पाई जाती है, ये अंग्यूलेट्स में यानी खुरचारी जिनको हम कहते हैं खुरदारी एनिमल्स, और सिटेशिया ग्रुप यानी जिसके अंदर वेल होती है या डॉल्फिन्स हैं उनके अंदर जो है इस तरीके का प्लेसेंटा पाया जाता है, पहली तरह का विस्तृत प्लेसेंटा। फिर दूसरी तरीके का प्लेसेंटा है कॉटिलीडेनरी प्लेसेंटा यानी बीजपत्री प्लेसेंटा। तो इस प्रकार के प्लेसेंटा के अंदर क्या है, जो विलाई जो है यानी रसांकुर जो है किस तरीके के रूप में पाए जाते हैं, पैचेस के रूप में यानी या तो चकत्ते के रूप में पाए जाते हैं या फिर ग्रुप के रूप में पाए जाते हैं, समूह के रूप में पाए जाते हैं या फिर चकत्ते के रूप में पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कह देते हैं, इन पैचेस को, जैसे हम इसमें देख सकते हैं इनको हम पैचेस को हम क्या कह देते हैं, इनको हम कहते हैं कॉटिलीडन यानी बीज पत्री कहलाते हैं। ये जो पैचेस हैं ये कहलाते हैं बीज पत्री। तो ये ग्रुप के अंदर या फिर चकत्तों के रूप में पाए जाते हैं जो कि कॉटिलीडन कहलाते हैं और इनको हम कहते हैं बीज पत्री। और इस तरीके के प्लेसेंटा को हम क्या कहते हैं, कॉटिलीडेनरी प्लेसेंटा यानी बीज पत्री प्लेसेंटा। किसके अंदर ये पाए जाते हैं, कैटल मवेशियों के अंदर पाए जाते हैं, शीप के अंदर, भेड़ के अंदर और डियर के अंदर जो है इस टाइप का प्लेसेंटा पाया जाता है। तीसरी तरह का प्लेसेंटा है हमारा जोनरी प्लेसेंटा यानी क्षेत्रीय प्लेसेंटा। तो
इस प्रकार के प्लेसेंटा में क्या है, ये किस तरह के रूप पाए जाते हैं, एक बेल्ट के रूप में पाए जाते हैं। ये एक क्षेत्र के रूप में, गर्डल लाइक जो बैंड के रूप में, एक पट्टी के रूप में पाए जाते हैं, या फिर एक बेल्ट के रूप में जो है ये प्लेसेंटा पाए जाते हैं। जैसे अगर हम इसमें देखें तो ये एक बेल्ट के रूप में ये पाए जाते हैं, जो कि कैसा है, एलिप्टिकल इन शेप, यानी वृत्ताकार जो है ये शेप है। और जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बेल्ट है, ये जो जोन है या बेल्ट है, ये कहाँ पर है, हेड, फीटस का जो हेड और जो टेल है, ये हम देख सकते हैं हेड और टेल के बीच में जो है ये बेल्ट जो है पाई जाती है। तो इस तरीके के प्लेसेंटा को हम क्या कह देते हैं, जोनरी प्लेसेंटा या क्षेत्रीय प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा भी जैसे दो तरीके से हो सकता है, एक तो संपूर्ण जो है क्षेत्रीय प्लेसेंटा, यानी कंप्लीट जोनरी, कंप्लीट जोनरी, कंप्लीट पूरी जो है, पूर्ण जो है वलय के रूप में अगर पाई जा रही है बेल्ट, तो उसको हम कह देते हैं कंप्लीट प्लस जोनरी प्लेसेंटा, और अगर ये अपूर्ण है तो उसको हम कह देते हैं इनकम्प्लीट जोनरी प्लेसेंटा। ये किस किस में पाए जाते हैं, कैट्स के अंदर पाए जा रहे हैं जैसे, और डॉग्स के अंदर, कुत्ते के अंदर और बिल्ली के अंदर जो है इस तरीके का जोनरी या क्षेत्रीय प्लेसेंटा पाया जाता है। और चौथे तरीके का प्लेसेंटा हमारा डिस्कॉइडल प्लेसेंटा, यानी विम्बाप तरीके का प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा के में क्या है कि जो विल्लाई जो है, विल्लाई एक छोटे से जो है भाग के अंदर जो है रेस्ट्रिक्टेड रह जाती है, छोटे से भाग के अंदर जो है पाई जाती है, किसके रूप में, एक डिस्क के रूप में पाई जाती है। ठीक है, तो शुरू शुरू में क्या है, इसमें संपूर्ण जो है विल्लाई जो है, संपूर्ण कोरियोन जो है सबसे पहले विल्लाई से पूरा ढका हुआ रहता है। ठीक है, और बाद के अंदर जो है सिर्फ जो इम्प्लांटेशन वाला जो क्षेत्र है उसको छोड़ करके सारी विल्लाई जो है क्या होती है, गायब हो जाती है या कम हो जाती है, सारी विल्लाई विलुप्त हो जाती है। और इस टाइप के प्लेसेंटा को हम क्या कह देते हैं, मेटा डिस्कॉइडल टाइप प्लेसेंटा, जो कि अधिकतर में एप्स के अंदर और मैन के अंदर पाया जाता है। और ये अगर दो जो है इसके अंदर डिस्क में पाई जाती है, अगर ये दो डिस्कों के रूप में पाई जाती है जैसे, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, बाई डिस्कॉइडल। दो में अगर ये पाई जा रही है तो इसको बाई मान दो बाई डिस्कॉइडल कह देते हैं। और अगर ये डिस्क जो है सिर्फ अगर एक ही पाई जा रही है, पर अगर एक ही डिस्क पाई जा रही है ऊपर, तो इसको हम कह देते हैं मोनो डिस्कॉइडल, मोनो एक और बाई दो। तो मोनो डिस्कॉइडल यानी अगर एक डिस्क है तो मोनो डिस्कॉइडल, और अगर दो डिस्क है इस तरीके से तो ये क्या कहलाती है, बाई डिस्कॉइडल या फिर द्विविम्बाप, एकल विम्बाप और द्विविम्बाप जो है दो तरीके के अंदर ये हो सकती है। और किस में पाई जाती है, बैट माउस के अंदर, चूहे के अंदर, रैट के अंदर, रैबिट के अंदर, खरगोश के अंदर, बैट यानी चमगादड़ के अंदर, ठीक है, और दूसरे इंसेक्टिवर्स, इनके अंदर जो है किस टाइप का प्लेसेंटा पाया जाता है, डिस्कॉइडल टाइप का प्लेसेंटा। तो ये हमारा प्लेसेंटेशन टाइप ऑफ प्लेसेंटा दूसरे टाइप का हो गया, बाकी का हम अगले चैप्टर में देखते हैं।